आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उन उम्र वाले लड़कों के लिए जो कि 18 से 24 या फिर 30 साल तक के उम्र में है, ठीक है, जिसका एज 18 साल से लेकर 30 साल तक के बीच में है। और वैसे व्यक्ति इस वीडियो को जरूर देखे जिसका अभी शादी नहीं हुआ, एक दो महीना में या साल भर में शादी होने वाला है। उसको अक्सर यह प्रॉब्लम आता रहता है, जैसे कि वीर्य का पतला हो जाना या फिर स्पर्म में पीला पड़ जाना। कभी कभी देखते हैं स्पर्म में भी पीला पड़ जाता है या फिर स्पर्म काउंट की भी कमी हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा जब हमारे शरीर में स्पर्म काउंट की जो कमी हो जाएगा तो उसका क्या हमको साइड इफेक्ट बाद में देखने को मिल जाएगा, इन सब बातों का इस वीडियो में खुलेआम चर्चा होने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर लड़के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सब बात खुल के नहीं करना चाहते क्योंकि उसको सर बता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इन्हीं सभी विषयों के ऊपर आप लोगों को चर्चा करने वाले हैं कि स्पर्म काउंट की कमी को हम पूर्ति कैसे करेंगे और जिसका वीर्य पतला हो गया है उसको गाढ़ा कैसे बनाया जाता है। ये एकदम बेहतरीन टिप्स मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहें और जानकारी प्राप्त कर ले इस स्पर्म काउंट की सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। वीर्य के अंदर एक मेजर कंपोनेंट पाया जाता है जिससे हम लोग स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इसको पढ़े ही होइएगा, ठीक है। और इससे आगे की जानकारी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दूं कि जो वीर्य में जो परसेंटेज होता है उसका वो 4 से 5% के बीच में होता है। बाकी इसके अंदर ग्लैंड्स का डिस्चार्ज होता है जो कि इसे पानी की तरह बना देता है। पानी की जो क्वांटिटी है इसमें सीमन की क्वांटिटी से ज़्यादा होता है, इसके कारण वीर्य पतला दिखने लगता है, ठीक है। वीर्य पतला दिखने का रीजन यही होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं जो स्पर्म के बेस पर डिपेंड करते हैं, अगर आपके पूरे सीमन में शुक्राणु का क्वांटिटी कम हो तो आपका बच्चा भी होना असंभव हो जाता है। यानी कि अगर आप लोगों का सीमन कम आ रहा है, कम मात्रा में आ रहा है, उसका काउंटिंग कम हो गया हो, ठीक है, या फिर उसमें से पानी जैसा पतला पतला डिस्चार्ज आता हो, या फिर मैं आप लोगों को बता दूँ कभी कभी नॉट फेल हो जाता है, तो उसका कारण क्या होता है, वीर्य की कमी हो जाती है, स्पर्म काउंट की कमी हो जाती है। तो उसके कारण जब आप लोग रिलेशनशिप में आइएगा तो उसके बाद क्या होगा कि उसका वीर्य का जो कमी जो होता है वो आप लोगों को दिखने लगा। वीर्य की कमी के कारण ही आप लोगों को बच्चा नहीं हो सकता है। और इसका मेन रीजन ये भी है कि मास्टरबेशन अत्यधिक लोग कर लेते हैं, जो कि 18 साल से 20 साल 25 साल 24 साल तक के जिस एज के जो लड़के हैं और उसका जो शादी नहीं हुआ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा फोन एडिक्टेड होते हैं या फिर किसी भी रूप से सोशल मीडिया पर वो फोन जैसी सोशल मीडिया पर जो फॉलो होते हैं उसको फॉलो करते रहते हैं, उसी के कारण उसको जो है सो मास्टरबेशन की लत लग जाती है। तो उसके कारण उसका जो वीर्य है काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसके वीर्य के अंदर काउंटिंग की कमी हो जाती है, उसका वीर्य पहले जैसा गाढ़ा या फिर मजबूत नहीं रह पाता, ठीक है, उसी के कारण उसका जो है सो बच्चा होना असंभव हो जाता है। इसी के लिए कभी लोगों को आप लोग अपने आस पड़ोस में देखते होइएगा शादी के बाद उसका समय पर बच्चा नहीं होता रहता। मुख्य उद्देश्य ये भी रहता है कि उसके अंदर स्पर्म यानी कि वीर्य की कमी हो जाता है, इसके कारण उसका बच्चा नहीं हो पाता। तो आप लोग इस बात पर ध्यान देंगे और मास्टरबेट करना आप लोग भूल जाए तो आप लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है। और मास्टरबेट का बहुत सारा रीज़न है, जैसे कि आपके आस पड़ोस या फिर अगल बगल में उसका पोल्यूशन या फिर आप लोग खान पान क्या खाते हैं, ज़्यादा गर्म चीज़ आप लोग अगर खा रहे हैं तो ये भी एक कारण बन सकता है आपके मास्टरबेट का, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूँ या फिर आप लोग जो मैंने अभी बताया आप लोगों को खान पियन या फिर गर्म सामान ज़्यादा आप लोग खा लेते हैं या फिर मास्टरबेशन ज़्यादा कर लेते हैं, इसी के कारण सीमन का क्वालिटी पतला हो जाता है, पानी जैसे आने लगता है पीला और बिल्कुल भी कारगर नहीं रह जाते हैं, इसका जो कि आप लोगों का जो स्पर्म का जो कमी है वो हो जाता है, इसी के कारण बच्चा होना असंभव हो जाता है। और मुख्य उद्देश्य यह भी है पोर्न एडिक्टेड लोग भी मास्टरबेट कर लेते हैं, उससे भी दूर है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों के मन में यह होगा कि जो हो गया सो हो गया, अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ठीक करना बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे और इस पर फॉलोअप करेंगे तो आप लोगों का जो है सो सीमन का जो पतलापन है या फिर उसमें जो पीला आता रहता है या फिर गाढ़ा जैसा खत्म हो गया है उसको पूर्ति करने के लिए आप लोग घरेलू उपाय कर सकते हैं। क्या होता है कि पहाड़ी इलाका में शिलाजीत शुद्ध से शुद्ध मिलता है, ठीक है, वो लिया और 3 महीना कंटिन्यू यूज करें, 1 दिन गैप करके या फिर 2 दिन गैप करके 1 सप्ताह गैप करके यूज करें तो आप लोगों को क्या होगा सीमन गाढ़ा होने का चांसेस रहेगा और जो पतला होता रहता है वो भी कम हो जाएगा और पीले जैसा भी समस्या खत्म हो जाएगा। या फिर शिलाजीत का कैप्सूल आता है किसी भी मेडिकल स्टोर से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोगों को सेक्स संबंधी समस्याओं में कमी आती रहती है तो आप लोग हिमालयाज का 10 टेक्स 4 टेबलेट आता है वो भी आप लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ज़्यादा स्मोकिंग या फिर अल्कोहल या फिर धूम्रपान करते हैं इसके कारण भी आप लोगों का क्या होता है कि स्पर्म की कमी हो जाती है या फिर वीर्य पतला होने लगता है, ठीक है। ये सब कमी स्मोकिंग अल्कोहल और क्या कहते हैं धूम्रपान की वजह से भी ये समस्या आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इससे भी आप लोग 3 महीने यानी कि कंटिन्यूली 3 महीने आप लोग दूर रहेंगे तो होगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूँ तो आप लोग के लिए ठीक होगा और आप लोग धूप में जाए तो आप लोगों के शरीर में विटामिन डी का जो है पूर्ति होगा, उसके कारण भी सीमन में बढ़ोतरी आएगा, ठीक है। और विटामिन डी वाले खाना भी आप लोगों को खाना चाहिए या फिर मार्केट में कैप्सूल आता है वो भी आप लोग ले ले विटामिन डी का तो आप लोगों को उससे भी पूर्ति होगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मास्टरबेशन आप लोगों को जरूरी है छोड़ना, ये आप लोग नहीं छोड़ते तो आप लोगों को सीमन में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि खान पियन में काजू किशमिश दूध केला मसूर की दाल अंडा मछली ये सब खाइए आप लोग समय समय पर तो आप लोगों को स्पर्म की कमी को एकदम जड़ से खत्म कर देगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ओमेगा D3 या फिर आप लोग जिंक
या फिर आप लोग पोटेशियम या फिर आप लोग क्या कहते हैं उसको कैल्शियम जैसे सामान को खाइएगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा इस चीज़ को पूर्ति करने के लिए। ठीक है, तो यही सब था इस वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो आप लोग एक बार कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।